भीलवाड़ा जिले के बलिया थाना पुलिस ने चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए ट्रांसफार्मर, कॉपर व ऑयल चोरी करने वाले दो शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि थाना व जिले में ट्रांसफार्मर, कॉपर व ऑयल तेल चोरी की घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जा रही। गांव के किसानों को बिजली कनेक्शन कटने के बाद नए ट्रांसफार्मर लगाने में भारी समस्या का सामना करना पड़ता है। जिला पुलिस अधीक्षक आदर्श सिद्धू के निर्देशानुसार बीती रात नेशनल हाईवे 758 पर सवाईपुर पर मोटर साइकिल पर दो संदिग्ध युवक जाते दिखाई दिए। पूछताछ की तो उन्होंने 34 स्थानों पर ट्रांसफार्मरों से कॉपर व ऑयल चोरी की वारदात स्वीकार की। थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा ने बताया कि दिनेश पिता बाबूनट निवासी मालकाखेड़ा थाना बिजोलिया हाल कुवाड़ा खान थाना सुभाष नगर भिलवाड़ा में रशीद मोहम्मद पिता सुभान मोहम्मद सौरगढ़ निवासी रानेड़ा थाना केकड़ी जिला अजमेर हाल कुवाड़ा खान तान सुभाष नगर भिलवाड़ा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनसे 25 किलो कॉपर वायर, चोरी में प्रयुक्त सामान, एक मोटरसाइकिल आदि जब्त किए। टीम में थाना प्रभारी राजेंद्र ताड़ा, हेड कांस्टेबल रोहिताश, लक्ष्मण सिंह, कांस्टेबल विनोद कुमार, मोतीराम, राकेश कुमार, रमेश कुमार, अशोक कुमार, यूसुफ व सूरघ्यान आदि रहे। पिछले महीने थाना पर एक मुकदमा दर्ज कराया था बिजली विभाग ने, जिसमें कालियास और आमा गांव से ट्रांसफार्मर की प्लेटें तोड़ने का एक प्रकरण सामने आया था। उसके बारे में और जानकारी की तो पता चला कि जिले भर में इस तरह की एक गैंग एक्टिव है, जो लगातार ट्रांसफार्मरों से अंट लगाकर बिजली कनेक्शन काटकर उनका और उनको नीचे गिराकर और कॉपर की प्लेटें ले जाकर और उनको बेच देते हैं, जिससे किसानों को भारी समस्या होती है, क्योंकि जब तक नया ट्रांसफार्मर नहीं लगता है तब तक उनकी बिजली नहीं आती है। इस पर उच्चाधिकारियों के निर्देश पर एक टीम का गठन किया और रात्रि में इस तरह के लोगों पर निगरानी शुरू की, तो कोटा भीलवाड़ा हाईवे पर स्वाईपुर चौकी के पास इस तरह के दो लड़के थे, उनको रुकवाया, बाइक पर थे, डिटेन किया, पूछताछ की तो उन्होंने ये वारदातें स्वीकार की। अभी तक 34 स्थानों पर जिले में विभिन्न स्थानों पर इन्होंने वारदातें एक्सेप्ट की है, आगे भी अनुसंधान जारी है। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया, एक का नाम दिनेश पुत्र बाबूलाल नट मालकाखेड़ा थाना बिजोलिया का है और दूसरा रशीद मोहम्मद पिता सुभान मोहम्मद गांव रानेड़ा केकड़ी अजमेर का। दोनों फिलहाल अभी भीलवाड़ा में ही रहते हैं, कुवाड़ा खान के पास।